नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सब ठीक ठाक? मुझे कुछ दिन पहले एक 12 लाख की गाड़ी की लॉटरी लगी थी। ये सुनकर कोई खुश होगा या दुखी? बोलिए। पर मैं खुश तो नहीं हो पाई, पर हाँ दुखी, थोड़ी दुखी हो गई मैं। मतलब तभी कुछ ऐसा हो गया और मुझे बहुत ठेस पहुंचा। मैं उसका रीजन आपको बताती हूँ। तो मैं बात की शुरुआत कुछ दिन पहले मेरे की हुई ऑनलाइन मार्केटिंग से करती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से एक मेरा कुछ पर्सनल आइटम मैंने ऑर्डर किया था। मुझे उनका डिलीवरी जैसे होता है ना, वो 1 वीक के अंदर वो मेरे पास पार्सल आ गया। तो जब पार्सल पहुंचा तो उससे पहले उनका डिलीवरी बॉय कॉल करता है। सो उसने कॉल किया, मुझे बोला मैडम आपका एड्रेस यही है ना, आपको कहाँ पे मिलूँ, कैसे दूँ। उनका जो प्रोसीजर है वो वैसे आया, मेरे हस्बैंड ने रिसीव किया और पार्सल मेरे पास आ गया। उसके 2 दिन के बाद क्या हुआ कि मुझे सुबह और एक कॉल आया, और वो जो कॉल आया उसने बोला मैम आप, मेरा नाम पूछ बोला बोला आप श्वेता पात्र बोल रही हैं? मैंने कहा हाँ मैं श्वेता पात्र बोल रही हूँ। आप उड़ीसा से है ना? मैं बोला हाँ मैं उड़ीसा से हूँ। आपको कैसे पता चला क्या? नहीं मैम, आपने एक गाड़ी जीता है। मैंने बोला कौन सा गाड़ी? मैं मतलब मुझे मेरा मैं नींद से भी कोई नींद में भी कोई होता ना तो वो भी जग जाता। वो सुनकर इतना मैं चौंक गई। उसने बोला गाड़ी जीता। मैंने बोला मैंने कहा कि गाड़ी कौन सी गाड़ी क्या है ना, वो कुछ महिंद्रा की गाड़ी है, आप जीती है, आपको कोई इन्फॉर्म नहीं किया? मैंने बोला नहीं मुझे तो कोई इन्फॉर्म नहीं किया। नहीं हम ही तो है, हम ही तो आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है। उन्होंने ऐसा मतलब वो जो कॉल किया था वो वैसा बोल रहा है मुझे। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने बोला भिजवा दीजिए गाड़ी, भिजवा दीजिए। ना मैडम कहाँ पे भिजवाएं गाड़ी? मैंने उससे पूछा कि आपने मुझे 2 दिन पहले मैंने जो शॉपिंग किया था उसके बारे में आपके पास सारा डिटेल है, तो कहाँ पे भेजना है आपको पता नहीं? आपने मेरा नाम बोल रहे हैं, एड्रेस बोल रहे हैं। तभी मुझे थोड़ा शॉक लग गया। तो उसने बोला हाँ ठीक है, हम आपके एड्रेस पे भिजवा देंगे, पर आपको एक छोटा सा प्रोसीजर करना पड़ेगा। मैंने बोला कौन सा प्रोसीजर है बताइए, क्यों नहीं करेंगे? इतनी बड़ी 10-12 लाख की गाड़ी जीती है हमने। उसने बोला आपको पहले 4,000 रुपीज़ का मतलब फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको घर आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी, उसके बीच में 1 वीक का टाइम लगेगा। मैंने बोला 4,000 कैसे पे करना पड़ेगा क्या कर? नहीं मैडम आप अपना डिटेल वगैरह, बैंक डिटेल वगैरह हमें दे दीजिए, हम आपका सारा काम तमाम कर देंगे। मैंने वो बात सुन के मैंने समझ लिया। तो मैंने उससे कहा, तभी मुझे हो गया आइडिया कि वो एक फ्रॉड कॉल है। तो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दिया था, वो जब रिसीव हुआ तभी ऑन कर दिया था मैंने, जब वो लॉटरी की बात सुनी। तो मैंने उन्हें कहा अगर मुझे 4,000 रुपीज़ तो पे करना है, आप एक काम कीजिए, वो गाड़ी कितने रुपए की है? उसने बोला 12 लाख रुपए की है। मैंने बोला आप वो गाड़ी मेरे तरफ से आप ही रख लीजिए। मैंने उन्हें डायरेक्ट बोल दिया कि आप ही रख लीजिए। तो उसने कहा जान गई रे साली, उसके पीछे मतलब वो जो बोल रहा है वो अपने एक दोस्त या कोई उसके कलीग को बोल रहा है कि जान गई रे साली। सॉरी मैं थोड़ा ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मुझे भी पसंद नहीं है, पर उसके बाद और भी बहुत कुछ है, आप बस देखते रहिए। उसके पीछे से कॉल सेंटर से जैसे कॉल आते रहते हैं ना, सर क्या करते हैं कैसे, मतलब वो इतने नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि
कि वो एक फ्रॉड बोल रहा है. जब वो गाली देना उसने जब गाली देना शुरू किया है तो इतनी मतलब कोई छोटे छोटा मतलब स्लम एरिया में जैसे बातें करते हैं ना, वहाँ के लोग भी ऐसे बात नहीं करेंगे. वो जितना नीचे गिर गया मतलब वो उसने तब मुझसे इतने एब्यूजिंग लैंग्वेज में बात किया तो मैं वो भी नहीं बोल सकती. मैंने बोला अगर तूने ये कॉल मेरा रिकॉर्ड हो रहा है अगर तूने ये गाली देना बंद नहीं किया ना तो मैं तुझे पुलिस कंप्लेंट करूँगी. उसने जब मुझे अब्यूजिंग लैंग्वेज बोला मैं तुझे एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तू ठीक हो जाएगा ना. उसने मैं जब पुलिस कंप्लेंट की बात की तो तू क्या पुलिस को बोलेगी, मैं बोल दूँ क्या, मैं तुझे जितना मतलब उस मैं बता भी नहीं सकती वो क्या बोला. इतना खराब शब्द उसने यूज़ किए तो मैंने कॉल काट दिया. काट कर मतलब उसे पुलिस की धमकी तब दी तब भी वो नहीं डरा. तभी मैंने वो फ्लिपकार्ट का हेल्प फ्लिपकार्ट में मेन्यू में ही कुछ हेल्प नंबर वगैरह होते हैं तो मैं उनको मैसेज किया. तभी मैंने बोला अभी मुझे कॉल कीजिए. उनका मतलब नंबर हेल्पलाइन नंबर मुझे नहीं था, वो कुछ व्हाट्सएप नंबर कुछ मैंने गूगल से सर्च किया. फिर उन्हें मैसेज किया मुझे अभी आपके कॉल सेंटर के लोगों से बात मुझे अभी आपसे बात करनी है. तो 10 मिनट के अंदर मेरा कंप्लेंट रजिस्टर होते ही 10 मिनट के अंदर उनका कॉल आया. फ्लिपकार्ट का मुझे ये बात बहुत पसंद आया कि उन्हें कस्टमर का कंप्लेंट जाने के तुरंत ही बाद वो मतलब रेस्पॉन्ड किया और कॉल भी किया उन्होंने. तो मैंने बोला सर ये बातें हैं आप क्या बोल रहे हैं. उन्होंने मुझे बोला मैम आप बस 10 मिनट टाइम दीजिए हमें. उनका कॉल उनका जो कॉल उनके हेल्पलाइन से जो बात कर रही थी मेरे से वो एक लड़की थी. तो उसने मैंने उसे कहा मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है अगर आपको चाहिए तो कोई मदद तो मैं आपको कर दूँगी. उसने मुझे मैंने उसने कहा मैम आप थोड़ी देर रुकिए लाइन पे बने रहिए हमारे सीनियर आपसे बात करेंगे. तो उसने 10 मिनट तक मैं कॉल होल्ड में थी. कहा मैं आपका कंप्लेंट रजिस्टर कर रही हूँ हम उसका इंक्वायरी करेंगे बोल के रखा सॉरी बोल के उन्होंने कॉल रखा. फिर 10 मिनट बाद मुझे फिर एक कॉल आया फ्लिपकार्ट से ही था. उनका कोई और सीनियर मतलब वो आदमी थे उन्होंने मुझसे बात की. मैं मतलब मेरे मुझे जो जो प्रॉब्लम हुआ उसके लिए वो बहुत एक्सक्यूज़ थे बहुत बुरा है. उन्होंने कहा मैम आपको उन्हें कैसे पता चला मुझे नहीं पता. उन्होंने कहा मैम आपको ये नंबर से कॉल आया. मैंने बोला हाँ. आपको ये गाड़ी की लॉटरी लगी बोला. मैंने हाँ. मैम आपको अगर कोई भी ऐसा कॉल आता है फर्स्ट होता है कि अगर कोई कॉल आता है तो आपको मैसेज जाएगा आपका मतलब हम आपको कैसे जब आपका प्रोडक्ट आना होता है तो हम आपको कैसे इन्फॉर्म करते हैं. तो ऐसा ही हम आपको ये करेंगे कोई भी अगर आपको कॉल आए या कुछ भी आए फ्लिपकार्ट की तरफ से भी आए तो आप कुछ भी कभी रेस्पॉन्ड मत कीजिएगा. मेन होता है आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स कभी किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए. मैंने बोला मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया. जब उन्होंने लॉटरी की बात कही थी मुझे तभी पता चल गया था कि वो कुछ गलत बात है. और हाँ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारा कोई भी ऑफर या लॉटरी या कुछ भी हमारा लॉन्च होना होगा तो हम हमारे पेज के मतलब उनका फ्लिपकार्ट का पेज है तो पेज के सबसे ऊपर हम उसे डिस्प्ले करते हैं मतलब वहाँ पे आपको ही पता चलेगा. पर हम किसी को भी कॉल पे नहीं कि मैसेज में नहीं हम कुछ नहीं करते. मैंने बोला हाँ ठीक है. तो उन्होंने पूछा आपने कोई बैंक अकाउंट नहीं. उन्होंने कहा कि आपको ये एक फ्रॉड कॉल आया था उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ. मैंने बोला नहीं सर वो बात नहीं है. तो उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं तो आप मतलब पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं. उन्होंने मुझे कहा मैंने पूछा उनसे वो सारी बातें छोड़िए उनके पास मेरा मोबाइल नंबर मेरा एड्रेस और मेरा नाम
मेन ये तीनों चीज़ें कैसे पहुंची उनके पास? मैंने तो आपकी वेबसाइट में ऑर्डर देने के लिए किया था, तो इससे हमारा हमारी एड्रेस का प्राइवेसी और सिक्योरिटी क्या रहेगी? उन्होंने बोला मैम सॉरी ये सब हुआ, पर ये हमारे यहाँ से नहीं होता है, कि हमारे कोई स्टाफ पे इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये जब होता है, ये काम तब होता है जब पार्सल के लिए निकल जाता है, सामान जब पार्सल के लिए निकल जाता है तब मतलब उनके वो हाँ ऊपर लिखा होता है ना हमारा एड्रेस मोबाइल नंबर सब जो लिखा होता है वो सबको वो लोग नोट करके रखते हैं, उसके बाद उनका सारा खेल शुरू होता है। मैंने उस ये बात उन्होंने बोल दी, उसके बाद मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट या कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि मुझे वो मतलब वो जो अब्यूजिंग लैंग्वेज बात की मुझे पसंद नहीं कि उसे बार बार सब लोग सुने, सबको मैं रिपीट करूं। आज भी मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मतलब इंटेंशन नहीं था, मैं कल रात से सोच रही हूँ बनाऊँ या नहीं बनाऊँ या नहीं, बस एक ही सोच से मैंने कहा कि मुझे जब लॉटरी की बात सुनी तो मुझे शौक हो गया कि ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स मतलब वो रीज़न से ख़राब रीज़न से वो कॉल कर रहे हैं मुझे, वो फ्रॉड कॉल कर रहे हैं, वो मुझे आइडिया हो गया था। क्या सब लोगों को ये आइडिया होता होगा? जब कोई लॉटरी की बात सुनता है तो किसी को भी सडनली क्या ख्याल आता है? अच्छा हुआ मेरी लॉटरी लगी, यह वो हुआ, या ये उन्हें ये ख्याल आएगा कहीं ये मुझे फ्रॉड कॉल तो नहीं आया, कहीं कोई मुझे ठग तो नहीं देगा, वैसा तो नहीं आता होगा ना। तो मेरा आज का ये वीडियो का इंटेंशन ही यही था कि मैं जो प्रॉब्लम फेस कर सकती थी वो कोई और सफर ना हो, मतलब अगर मैं उस वक्त सूझबूझ से काम नहीं लेती तो आप लोगों को तो पता ही आजकल फ्रॉड कॉल्स के वजह से लोगों का बैंक का बैलेंस ही ज़ीरो हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को कभी भी ऐसी कॉल्स आए, चाहे वो कुछ भी लॉटरी क्यों ना लगे, वो जानबूझकर ही लॉटरी का वर्ड यूज़ करते हैं ताकि लोग मतलब खुशी से उनका दिमाग काम करना बंद कर दे और उसी के बीच वो फ़ायदा उठा के आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे, बैंक अकाउंट नंबर पूछेंगे, ओटीपी पूछेंगे। मेन बात तो रहेगी ओटीपी पे, सबसे आखिर में होता है वो ओटीपी। अगर वो ओटीपी आप शेयर कर देंगे ना और कोई कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए आप लोग थोड़ा जागरूक रहिए और ऐसे फ्रॉड कॉल से बचे रहिए। थैंक यू। और हाँ, आपको तो पता है अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए ठीक है लाइक करना और सब्सक्राइब भी। ये मेरी रियल स्टोरी है, कोई कहानी नहीं। बाय।